एक बार एक दुखी इंसान एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताए जो मुझे जीवन भर याद रहे और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सके। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज आपके प्रवचन सुनने यहाँ आऊं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो। संत के साथ ही वो आदमी भी चल दिया। संत उस आदमी को लेकर शमशान पहुंचे। उस आदमी ने पूछा कि गुरुजी, आप मुझे ये कहां लेकर आ गए हैं? संत ने कहा कि हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। थोड़ी ही देर में एक धनी इंसान की अर्थी वहां आई और उसके कुछ देर बाद एक गरीब इंसान की अर्थी लेकर वहां कुछ लोग पहुंचे। अमीर और गरीब दोनों लोगों के लाशों को शमशान में जला दिया गया। इसके बाद संत उस आदमी को लेकर अपने आश्रम लौट आए। संत ने उससे कहा कि तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें कल उपदेश दूंगा। अगले दिन सुबह-सुबह ही वो आदमी संत के पास पहुंच गया। संत उसे लेकर शमशान पहुंचे। संत ने अमीर की चिता से एक मुट्ठी राख उठाई और एक मुट्ठी राख गरीब की चिता से उठाई। दोनों मुट्ठियों की राख दिखाते हुए संत ने कहा कि ये देखो, क्या इन दोनों राखों में कोई अंतर है? नहीं। अमीर हो या गरीब, मरने के बाद दोनों एक समान है, कोई अंतर नहीं। इसीलिए हमें कभी भी धन कमाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। निजी स्वार्थ में दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकता है। संत की बातें सुनकर उस आदमी को जीवन का एक ऐसा सूत्र मिल गया जिसने उसकी सारी परेशानियों को हल कर दिया। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी बीत गई आते आते। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता। इसीलिए जिंदगी ऐसे जियो कि मौत आए उसके पहले तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो मौत तुमसे छीन ना सके। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आगे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।